टेली ERP 9 का जो अपग्रेड वर्जन है 6.5, इसमें कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको F11 करना होगा और F1 प्रेस करिएगा। यहाँ पर दो चीज़ लिखा होगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट, इसको यस करिएगा, और यूज़ पर एडवांस पैरामीटर, इसको भी यस करके सेव कर लीजिएगा। इसके बाद एक और काम कर लीजिएगा, यही इसी में यहाँ पर लिखा होगा यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको भी यस करिएगा, ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप इन्वेंट्री इन्फो पे जाइए, यहाँ पर स्टॉक आइटम पे जाइए, यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, एक हमने क्रिएट कर लिया बासमती राइस, ठीक है, और इसका अंडर ग्रुप रख दिया राइस, इसको हमने KG में रख लिया, और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड रेट सेट कर लिया। ये जो स्टैंडर्ड रेट आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट का मतलब क्या होता है कि हमें सामान बेचना है तो हम चाहते हैं कि कॉस्टिंग प्राइस लगा दें और सेलिंग प्राइस भी लगा दें, तो हमें क्या करना होता है, F12 करके यहाँ पर जो सबसे नीचे लिखा होगा, सबसे नीचे से सेकेंड नंबर, इसको हम यस कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा, यस प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ₹35 कॉस्टिंग प्राइस यानी खरीदा गया मूल्य, और बेचने वाला मूल्य क्या है, ₹45, ठीक है, और यहाँ पे ये वाई प्रेस किया हमने, यहाँ पे हम GST वगैरह डिटेल सेट कर देंगे। हम लगा रहे हैं इस पर 5% टैक्स, ठीक है। गुड्स रखा और 100 KG अपने स्टॉक में रख लेते हैं। यदि हमें सामान बेचना है तो सामान बेचने के लिए आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो, सामान बनाने वाले हो, या आप खरीद करके सामान रखे हो, ठीक है। इसको सेव कर लो, सेव करने के बाद बैक करो, बैक करने के बाद आप यहाँ पहुँच जाओ अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे क्या करो, सप्लाई इनवॉइस दे दो। इसके बाद यहाँ पे आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है, या पार्टी आप खुद बना सकते हो, अलग सा सी प्रेस कर लो, हमने यूज़ किया मिस्टर रवि, इसको हमने कर लिया संडे रेप्टर, इनको हम सामान बेच रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये ऐसा होता है कि कई तरीके से हम यूज़ करते हैं, जैसे एक सामान बेच दिया, उसको हम टाइम देते हैं बंदे को कि आपको 30 दिन बाद अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो हम आपसे 2% या 6% इंटरेस्ट वसूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ लिखा होगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिनसे हम यस करेंगे, और यहाँ पे हम वाई प्रेस करेंगे, इसको पैरामीटर को हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो हम बोले कि 6% आपसे टैक्स हम लेंगे, सॉरी इंटरेस्ट वसूलेंगे अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैलेंडर मंथ, कैलेंडर मंथ का मतलब ये होता है कि अगर अगर कोई भी मंथ, जैसे फरवरी 28 का रहा, 29 का रहा, कुछ महीने 30 के होते हैं, 31 के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक महीना पूरा हुआ तो इंटरेस्ट हमें चाहिए, ठीक है। अगर 365 करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ साल ऐसे भी होते हैं लीप ईयर के जो 366 भी होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, कैलेंडर मंथ रखेंगे। इसके साथ यहाँ पे ऑल बैलेंस भी लगा सकते हैं। देखो ऑल बैलेंस का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई पार्टी ऐसी हो जिनसे हम अक्सर सामान बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं, ठीक है, तो उनसे इंटरेस्ट भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं, तो यहाँ पे ऑल रख सकते हो एक ही पार्टी से, या यहाँ पे क्या कर रहे हो, केवल बेच रहे हो इनको, तो डेबिट बैलेंस ओनली कर लो। यहाँ पे रखो पास ड्यू डेट, हमने इनको 30 दिन का मोहलत दे दिया, और यहाँ पे कर दो डेट अप्लीकेबिलिटी, इसको सेव करो। और यहाँ पूछ रहा है राउंडिंग, यानी अगर जो अमाउंट जीरो वगैरह में आए, पॉइंट में आए पैसे में, तो उसको राउंड कर लें, राउंड फिगर हमने एक रखा, इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ पे कंज्यूमर रख दिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना होगा, स्पेस प्रेस किया, और ये हमारे पास बासमती राइस है, 100 KG हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, हम क्या करते हैं 10 KG हमें बेच देना है, ठीक है ना, केवल हम 10 लिखेंगे, ऑटोमेटिक सब रेट आ जाएगा। ये क्यों आता है, ये आता है स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर हमें एफ एड करना है ना, हम एफ एड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और हम लोकल सेल कर रहे हैं मिस्टर रवि को बासमती राइस 10 KG, ठीक है, यहाँ ₹45 दिख रहा है, इसको आप सेव कर लो। जैसे आप इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद रिपोर्ट वैसे भी देख सकते हो, अल्ट के साथ जेड कर लो, जूम हो जाएगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसका रिपोर्ट देखना। रिपोर्ट देखने के लिए आपको डिस्प्ले पे जाना होगा, डिस्प्ले पे जा करके आपको प्रेस करना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाना होगा, यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसके अंतर्गत जाइएगा, और यहाँ पर मिलेगा क्या, लेज़र, लेज़र जाइएगा, और हमने किस पार्टी से काम किया था, रवि के साथ। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि डेट क्या है, 1 अप्रैल 2018। एक चीज़ ख्याल रखो, अगर 1 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है तो पूरा महीना ये पूरा हो जाएगा, ये तो पूरा छोड़ दिया हमने 30 दिन बाद, यानी क्या 1 मई, ठीक है ना, 1 मई जब बीतेगा, 1 मई से जून तक जब जाएगा, तो जून में वो कैलकुलेशन करके देगा।
यहाँ पे क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा F2 और यहाँ पर डेट जैसे डालेंगे 1/5/2018 से यहाँ पर 1/6/2018 जैसे प्रेस करोगे, यहाँ पे नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और वापस इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे F2, हमने डेट डालना है 1/5/2018 और हम डालेंगे 1/6/2018। जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमें दिख जाएगा करेंट एसेट्स, यानी क्या ये अमाउंट दिख रहा है 12,315 रुपये 36 पैसे और इंटरेस्ट कितना दिख रहा है 28 रुपये। और इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, अब हमें यहाँ पर डिटेल खुल ओपन होकर दिख जाएगा कि सर कितना दिन हुआ, 2 मई से 18 के बीच में टोटल 31 दिन हुए हैं, 6% के हिसाब से 28 रुपये इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने यहाँ देख लिया, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, अल्ट साथ पी करिए और वाई प्रेस करके अल्ट साथ जेड करिए, आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप रख भी सकते हैं। इसके बाद अब इंटरेस्ट इनसे कैसे वापस लिया जाए, आपको पहुँचना होगा अकाउंट्स इन्फो में, यहाँ पर बाउ से टाइप होगा, यहाँ अल्टर पे जाएंगे आप, अल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा डेबिट नोट, डेबिट नोट पे क्लिक करिए, हमें इसको रिसीव करना है ना। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ख्याल रखो, डेबिट नोट हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं परचेज रिटर्न में, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है इस किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ पे लिखा है यूज़ इफेक्टिविटी डेट फॉर इनवाइस, इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट, लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखा है यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस करिए, इसको यस करेंगे हम। ठीक है, यस करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद बैक करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में गए, हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल F9, जो हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट यस किया था तो वैसे ही आएगा। यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्लासेस का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बिल नंबर दे दीजिए और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे, हमें जो ट्रांजेक्शन किया था रवि से किया था, रवि को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये हमें अलाउ नहीं करेगा, परमिशन ही नहीं देगा, क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो किस महीने से लग रहा है, मई से जून के बीच में लग रहा है, तो अभी हमारे पास जो डेट है वो क्या है, 1 अप्रैल है। प्रेस करेंगे F2 और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्या 1/5/2018 और 1/6/2018, जैसे सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर हमें बैलेंस वगैरह दिख जाएगा। देखो यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, इसको देखते हैं, F2 प्रेस किया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा था, हमने पार्टी चेंज कर दिया था, मिस्टर अनुज के साथ हमने ट्रांजेक्शन किया था ना, तो यहाँ पर अब नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे प्रेस करना होगा F2 और यहाँ पे हम डेट सेट कर लेंगे 1/4/2018, सॉरी 1 मई से दिखाएंगे ना, 1 मई 2018 और 1/6/2018 जैसे प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे हम, तो अब यहाँ पर दिख जाएगा कि 472 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था प्लस 28 रुपये जो इंटरेस्ट था उसको देखेंगे हम। इंटर प्रेस करेंगे, ये 28 रुपये यहाँ पर आएगा और इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे हम इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इसको रखेंगे, हमारे पास ये इनडायरेक्ट इनकम है, इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 28 रुपये आ चुका, इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे क्योंकि हमने सामान बेचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, हमें किस पार्टी से लेना है, मिस्टर अनुज से, कितना था 500 रुपये, एंटर करेंगे और ये आपको दिख जाएगा 500 रुपये। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो 500 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन तो 472 का था, 28 रुपये प्लस इंटरेस्ट था, तो क्या हो जाएगा, इसमें वो जुड़ जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा, तो यहाँ पे भी कैश कर लो, आपको ये समझ में आया इस चीज़, इस तरीके से हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको ये सेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो क्यूरी लिखें जरूर कमेंट में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।